अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच मंगलवार को पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। करीब 90 मिनट तक चली द एबीसी न्यूज प्रेसिडेंशियल डिबेट में कमला हैरिस और ट्रंप ने एक दूसरे की नीतियों पर जमकर आलोचना की। इस दौरान दोनों उम्मीदवारों के बीच रूस यूक्रेन युद्ध, इसराइल हमास जंग, सीमा से जुड़ी समस्या, आप्रवासन, अर्थव्यवस्था और आवासन जैसे मुद्दों पर जमकर बहस हुई। दोनों की बहस में चीन, रूस, इसराइल और ईरान कई बार आए। डिबेट के अंत में कमला हैरिस ने कहा, अमेरिका के भविष्य को लेकर उनका और ट्रंप का नजरिया बिल्कुल अलग है। मेरा ध्यान भविष्य पर है, पर ट्रंप अतीत पर ही अटके हैं। ट्रंप ने कहा, कमला हैरिस की नीतियों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बीते 4 सालों में उन्होंने कुछ हासिल नहीं किया है। हमारा देश बर्बादी के रास्ते पर है, पूरा विश्व हम पर हंस रहा है। अगर नवंबर में हैरिस चुनाव जीत जाती हैं, तो तीसरा विश्व युद्ध संभव है। डिबेट के दौरान कमला हैरिस और ट्रंप ने एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले भी किए। हैरिस ने ट्रंप पर चल रहे मुकदमे और 2020 के चुनाव में हार न स्वीकारने को लेकर हमला किया। मॉडरेटर्स ने ट्रंप पर हैरिस की नस्ली पहचान के बारे में उनकी विवादास्पद टिप्पणी को लेकर सवाल किया, तो ट्रंप इस सवाल को टालते नजर आए। ट्रंप ने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो क्या है। हैरिस ने कहा कि ये एक त्रासदी है, वो व्यक्ति राष्ट्रपति बनना चाहता है जिसने हमेशा अमेरिका को नस्ली आधार पर बांटने की कोशिश की है। 90 मिनट की बहस में कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को कई बार परेशान किया। कमला हैरिस ने ट्रंप को उनकी रैली में भीड़ की संख्या और कैपिटल हिल पर हुए हमले को लेकर घेरा। हैरिस ने उन अधिकारियों का भी जिक्र किया जो कभी ट्रंप के साथ थे और अब उनकी जमकर आलोचना करते हैं। कमला हैरिस ने ट्रंप को उकसाया कि वो उन अधिकारियों का बचाव करें। अगर बहस इस बात पर जीती या हारी जाती है कि उम्मीदवार उन मुद्दों का सबसे अच्छा फायदा उठाए जो मतदाताओं से सीधे जुड़े हैं, तो कमला हैरिस इस मामले में सफल रही हैं। कमला हैरिस मुद्दों को अपने हिसाब से मोड़ने में भी कामयाब रही। जैसे जैसे डिबेट आगे बढ़ती गई, हैरिस ने कई बार ट्रंप को बचाव की मुद्रा में ला दिया। हैरिस ने कई तरह के प्रहार और कटाक्ष किए जिनका जवाब देने के लिए ट्रंप बाध्य महसूस कर रहे थे। कमला हैरिस ने ट्रंप को कमजोर कहा। उन्होंने कहा कि विदेशी नेता उन पर हंसते हैं। हैरिस ने कहा कि लोग थकान और ऊब के कारण उनकी रैलियों से जल्दी चले जा रहे हैं। कई अमेरिकी लोगों के मन में ये था कि हैरिस महंगाई, आप्रवासन और अफगानिस्तान वापसी जैसे विषयों पर कमजोर होंगी। अधिकांश मामले में ट्रंप अपने प्रहारों को प्रभावी ढंग से पेश करने में असमर्थ रहे और आने वाले दिनों में उन्हें इस चूक के लिए अफसोस हो सकता है। जनमत सर्वेक्षणों से पता चलता है कि कई अमेरिकी इस बात से नाखुश हैं कि बाइडेन प्रशासन ने महंगाई और अर्थव्यवस्था को कैसे संभाला है, लेकिन कमला हैरिस ने इस विषय को ट्रंप के प्रस्तावित टैरिफ की ओर मोड़ दिया, जिसे उन्होंने ट्रंप बिक्री कर करार दिया। पूरे डिबेट के दौरान कमला हैरिस का हाव भाव भी प्रभावी दिखा। प्रेसिडेंशियल डिबेट के ज्यादातर हिस्से में जब ट्रंप कोई जवाब दे रहे हैं, तब हैरिस उन्हें सीधा देखते हुए असहमति में अपना सिर हिलाती दिखी या मुस्कुराती नजर आई। जब ट्रंप ने हैरिस को मार्क्सवादी कहकर संबोधित किया, तब हैरिस ने अपना हाथ ठड्डी पर रखकर ये इशारा किया कि उन्हें बात समझ नहीं आई। वहीं डिबेट के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी बहस हुई। जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो ये चाहते हैं कि यूक्रेन युद्ध जीते, इस पर ट्रंप ने कहा, मैं चाहता हूँ कि वार रुक जाए। यूक्रेन और रूस युद्ध की वजह से अमेरिका पर पड़ने वाले असर पर ट्रंप ने कहा कि इस युद्ध में यूरोप को अमेरिका की तुलना में बहुत कम कीमत चुकानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि वह यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ट्रंप ने जो बाइडेन को ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति कहा जो कहीं दिखते ही नहीं है। इस पर कमला हैरिस ने पलटवार किया। हैरिस ने कहा, आप बाइडेन के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं, आप मेरे खिलाफ लड़ रहे हैं। वहीं यूक्रेन युद्ध के सवाल पर हैरिस ने कहा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ उनके मजबूत रिश्ते हैं। आगे उन्होंने ट्रंप से कहा, हमारे नेटो सहयोगी बहुत आभारी हैं कि आप अब राष्ट्रपति नहीं हैं, नहीं तो पुतिन कीव में बैठे होते और यूरोप के बाकी हिस्सों पर उनकी नज़र होती। हैरिस ने कहा, पुतिन एक तानसा है। इस पर ट्रंप ने कमला हैरिस को अब तक की सबसे खराब उपराष्ट्रपति कहा। उन्होंने दावा किया कि वो आक्रमण से पहले यूक्रेन और रूस के बीच बातचीत करके युद्ध को रोकने में असफल रही हैं। वहीं डिबेट में इसराइल गाजा के मुद्दे पर कमला हैरिस ने पुरानी बात ही दोहराई। उन्होंने कहा, इसराइल को अपनी सुरक्षा का अधिकार है, लेकिन ये भी मायने रखता है कि इसराइल ये कैसे कर रहा है। हैरिस कहती हैं, ये युद्ध तुरंत खत्म होना चाहिए। साथ ही उन्होंने संघर्ष विराम और दो राष्ट्र समाधान की बात की। ट्रंप ने कहा, ये संघर्ष शुरू ही नहीं होता अगर वो राष्ट्रपति होते। ट्रंप ने कहा, हैरिस इसराइल से नफरत करती हैं। अगर हैरिस राष्ट्रपति बनती हैं, तो 2 साल में इसराइल का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। उन्होंने आगे कहा, मैं इस समस्या का तेजी से समाधान करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर वो दोबारा चुने जाते हैं, तो रूस और यूक्रेन युद्ध को भी खत्म कर देंगे।
हैरिस ने भी इसराइल की सुरक्षा का समर्थन करने के दावे को बार बार दोहराया और ट्रंप के दावे को खारिज करते हुए कहा कि वो सच्चाई से ध्यान भटकाना और बांटना चाहते हैं। उन्होंने कहा, सभी जानते हैं कि वो तानसाहों को पसंद करते हैं और पहले दिन से ही वो खुद तानसाह बनना चाहते हैं।